हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, एवेन्यू सुपरमार्ट मींस डी मार्ट कंपनी, ये कहाँ तक पहुँच गया है? 4410 तक पहुँच गया है गाइस। इसका हाई है 5900 तक का और जो लो है 3185 का। तो गाइस मार्केट कैप है जो इसकी 2,85,669 करोड़ की। करंट प्राइस इसका 4,410 चल रहा है, जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है, 1.14% का ये रिटर्न दे रहा है। वही स्टॉक भी देखिए 140 है, बुक वैल्यू 211 है, डिविडेंड यील्ड है अभी तक कुछ है नहीं डिविडेंड यील्ड में। आरओसीई है 15.8%, आरओई है 11.5%, फेस वैल्यू 10 रुपीज। तो गाइस आप देख रहे हैं डीमार्ट कंपनी के बारे में तो आपको पहले ही पता है। नया ने अपनी वीडियो में इसके मल्टीपैकेज स्टॉक में लेकर आई थी, इसलिए मैं इसके अलग से इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिस लेकर आई हूँ। गाइस बहुत सारे स्टॉक है, आपको पता है, खुद ही अपनी जहाँ पे जाता है अपने ये स्टोर्स खुद ही ओपन करता है, हर वहीं पर ये मतलब जम के बैठ जाता है। इसका जो स्टोर नेटवर्क है कॉपरेट 284 स्टोर्स अक्रॉस 10 स्टेट्स में है। गाइस वही बता देती हूँ मैं इसको, रीड मोर अगर आप करोगे 10 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी विद एन 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया। अवेल AVL has its highest, the Avenue Supermarts is the highest presence in Maharashtra. सबसे ज़्यादा highest Maharashtra में 88 stores हैं guys. मैं followed by Gujarat 48 stores हैं. Presence is limited to western and southern Indian states as the company follows cluster based expansions resulting in a low cost structures. Guys, इसका revenue breakup भी देख सकते हो. The company derives 57% of the revenue from the food segment and 20% from the FMCG segment and the remaining 23% is contributed by the general merchandise and apparel segments. So guys, the company sales revenue per retail business per square feet is rupees 30,353 crores. तो इसका financial year का आप खुद देख सकते हो revenue कितना है। तो कितनी अच्छा ये stock है, कितना अच्छी ये company है, इसके बारे में आपको खुद ही पता चल रहा है। हमारे steady store नेटवर्क एक्सपेंशन भी, एवेन्यू ई कॉमर्स भी, कन्वर्टिंग स्टोर्स भी करता ही रहता है। जैसे कि इसने द कंपनी क्लोज डाउन 2 of its stores इन मुंबई अगस्त 10 एंड कन्वर्टेड द सेम इनटू अ लोकल फुलफिलमेंट सेंटर फॉर ई कॉमर्स डिलीवरीज एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर द कंपनी हैज क्लोज डाउन इट्स स्टोर्स सिंस IPO. तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम ई रिटेल रेजिंग फंड्स भी आपको पता ही है। उसी के साथ साथ गाइस मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी बहुत अच्छी है। अभी आप देख रहे हो जो ये स्टॉप हो रखी है 4410 पे स्टॉप हो रखी है। गाइस भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स भी, हर एक कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, कंपनी इज मीडियम सेल्स ग्रोथ is 33.1% of the last 10 years. Cohn's stock is trading at 21.2 times its book value. Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out dividend. Company has a low return on equity. ये आपको देख ही रहा है। उसके साथ देखिए आप इसके सेल्स भी देख सकते हैं, सेल्स भी इसके बड़े ही हैं गाइस। 2019 से देखिए 55 करके 73 7, फिर 7, फिर 5 हुआ, कम हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर अब 10 होने तक इसका सेल प्रॉफिट पहुंच चुका है गाइस। वहीं आप कह सकते हैं 94% तक का इसका ग्रोथ हुआ है। वहीं एक्सपेंस भी बढ़े हैं गाइस, अब इनकम बढ़े तो एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंस 9,030 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं, वही क्वार्टरली 8,047 करोड़ के थे और पिछले साल 8,351 करोड़। तो गाइस क्वार्टरली ईयरली कंपेयर करें तो एक्सपेंस बढ़े हैं, लेकिन सेल्स भी बढ़ी है। उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 1,008 करोड़ का है। वहीं आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखते हैं 643 करोड़ का है गाइज, वो पिछले क्वार्टर में था 427 करोड़ का, पिछले साल था 553 करोड़ का। तो गाइज आप क्वार्टरली कंपेयर करें दिसंबर 21 और जून 22 तक की, तो इनकम अच्छी हुई है, ग्रोथ अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। वहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपेयर कर सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ा ही है। 35,000 तक इसका जो प्रॉफिट है पहुंचा हुआ है, जो सेल है पहुंची हुई है करोड़ तक की, वही एक्सपेंस भी पहुंचा हुआ है। इसको प्रॉफिट देखिए 2,040 करोड़ का एक्सपेंस सॉरी प्रॉफिट हुआ है। अर्निंग पर शेयर्स भी गाइस बढ़े हैं धीरे 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 करके, आप देख सकते हैं जो पिछले साल था 88.53, वही क्वार्टरली 6.59 और ईयरली जो इस साल है 9.93 तक। तो गाइस कंपनी बहुत अच्छी, आपको खुद पता है डीमार्ट कंपनी कैसी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, 80 से 79 और 74 से लेकर अब तो 74 ही चल रहा है गाइस। मतलब पहले कुछ कम हुए थे, फिर उसके बाद वही के वही जो प्रमोटर्स हैं, FIS हैं, DIS है, वो बने हुए हैं। गवर्नमेंट का भी इसमें दिखा रहे हैं रोल 0.2 का,
वही पब्लिक भी वही की वही बनी हुई है गाइस। थोड़ा बहुत ईयरली हमें थोड़ा सा कंपेयर करने में दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली बिल्कुल ठीक है। तो गाइस कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने बताया था मल्टी वेगर स्टॉक है, फ्यूचर के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी गाइस मैं इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ, डिपेंड आप लोगों पर करता है, स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ये था एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज जो इसके फाइनेंशियल ईयर का था, तो मैंने आपको बता दी कंपनी की ग्रोथ बता दी कितनी अच्छी कंपनी कितना क्या है, बाकी का डिपेंड आप पे करता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करने के लिए बहुत सारे लाइक दें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, कुछ भी पूछ रहे हैं तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।